नमस्कार साथियों, आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं एमपी बोर्ड ब्रिज कोर्स विषय हिंदी और आज हम देख रहे हैं पेज नंबर 39 से जो इसका चैप्टर स्टार्ट होता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आत्मकथा, इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा के बारे में बताया गया है। पूरा चैप्टर आपको 2 से 3 बार पढ़ लेना है काफ़ी अच्छी तरीके से, उसी के बाद हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले आता है कार्यपत्रक एक, जिसमें लिखा है श्रुत लेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। बाल्यकाल है ना, क्रांतिकारी, वितरक, प्रमुख था, आपातकाल है ना, घोषित, उत्साहित, दुर्लभ, तनख्वाह, अनुशासन, तस्वीर, माँ, जनेव, क्षमा है ना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, तो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। उसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक दो की, हमें दिया है निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए और यहाँ पे संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तथा और एव को मिलाएंगे तो बन जाएगा तथेव, पो अक मिलेगा तो पावक, सु आगत मिलेगा स्वागत, सुर प्लस मिलेगा तो सुरेश, देव प्लस आलय मिलेगा तो देवालय, पुरुष प्लस अर्थी मिलेगा तो पुरुषार्थी, मही प्लस इश मिलेगा तो महीश, भो प्लस अक मिलेगा तो भावुक है ना। उसी प्रकार से सरलार्थ का करेंगे तो सरल प्लस अर्थ, देवर्षि का देव प्लस ऋषि, नारीश्वर का नारी प्लस ईश्वर है ना, निर्धन का नी प्लस धन, यज्ञपि है ना तो यदि प्लस अपि, शयन का शे प्लस अन, नाविक का नौ प्लस इक है ना, और लोकोक्ति का लोको प्लस इक्ति, ठीक है। तो ये इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला कार्यपत्रक तीन, कार्यपत्रक तीन पे दिया है मूल शब्दों के बाद में दिए गए शब्दांश को जोड़कर शब्द लिखिए। विज्ञान प्लस एक तो क्या हो जाएगा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक या फिर वैज्ञानिक कर सकते हैं हम यहाँ पे। प्रतिभा प्लस वान तो प्रतिभावान, सम्मान प्लस ईद सम्मानित, गाड़ी प्लस वी वाला गाड़ी वाला, चट प्लस नी चटनी, फूंक प्लस नी फूंकनी, गरीब प्लस गरीब प्लस ई गरीबी, किराए प्लस दार किराएदार है ना, उसी टाइप से इसको जो है प्रयोग प्लस शाला प्रयोगशाला, स्वभाव प्लस एक स्वाभाविक है ना, तो आप देख लीजिएगा इसको। उसके बाद हम देखते हैं इसका अगला कार्यपत्रक चार, कार्यपत्रक चार में हमें दिया है नीचे दी गई सूची में विज्ञानों की खोज के अनुसार मिलान कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा में आने जैसा है ये। सर आइजक न्यूटन ने किसकी खोज की थी तो यहाँ पर बताया है गति के नियम की, अल्फ्रेड नोबर्ट ने किसकी खोज की थी तो यहाँ पर बताया डायनामाइट की, एविल बर्निनर ने किसकी खोज की थी यहाँ पर तो ग्रामोफोन की, और एडमंड हेली ने किसकी खोज की थी धूमकेतु, गैलीलियो ने किसकी खोज की थी टेलीस्कोप, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसकी की थी तो टेलीफोन, जॉन नेपियर ने किसकी की थी, उसके बाद क्या बचा है आपके रेडियम, ठीक है गाइस। तो ये आपके सही जोड़ी है जो कि आपको कर लेनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, इसमें से बिल्कुल पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पेज नंबर, पेज नंबर 42 और कार्यपत्रक पाँच, कार्यपत्रक पाँच पे हमें दिया है कॉलम अ में दिए गए समानार्थी शब्दों को मिलान कॉलम ब में दिए गए शब्दों से कीजिए, ठीक है। क्या बताया है कॉलम अ और कॉलम ब, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं बिल्कुल। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईमानदार है ना, सॉरी ये सेकंड क्वेश्चन है, पहले पहला क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो यहाँ पे आपको कॉलम अ और कॉलम ब दिया गया है, इन दोनों को क्या करना है शब्दों से मिलाना है। तो अब यहाँ पे तो हम इस टाइप से मिला नहीं सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। दुर्लभ का मतलब क्या होता है, जो कठिन सा से प्राप्त होता है, तो यहाँ पे पहले का आंसर ये हो जाएगा। पुस्तकालय का मतलब क्या हो जाएगा, तो पुस्तकालय का ये हो जाएगा पुस्तक घर, जिसमें बैठकर हम क्या करते हैं पुस्तक वगैरह पढ़ते रहते हैं। तीसरा वितरण आपको दिया गया है, वितरण का मतलब होता है बाँटना, क्या होता है बाँटना। चौथा है आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है स्वयं के बारे में लिखना, स्वयं की कहानी लिखना। इसके बाद आर्थिक है, आर्थिक का आपको बिल्कुल बाकायदा समझ में आ रहा होगा। और दृष्टिकोण मतलब होता है देखने का नज़रिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमको कुछ और बताया गया, सेकंड क्वेश्चन दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। ईमानदार का बेईमान, विश्वास का अविश्वास, धर्म का अधर्म, नौजवान का बूढ़ा, असमानता का समानता, दुख का सुख, गुण का बहुगुण, अवगुण ना गुण का क्या होता है अवगुण, अंत का होता है प्रारंभ। अब अगर हमें वर्ड बनाने हैं तो पहला तो हमें बना के दिए गए हैं ना शब्द बनाने, तो यहाँ पे क्या है वह अधर्म के मार्ग पर चल रहा है, बूढ़ा आदमी रात भर खड़ा है, हम सभी को प्रति समानता की भावना रखनी चाहिए, हम सभी को यहाँ पे डायरेक्ट लिखना समानता की भावना रखनी चाहिए, ठीक है। सुख की बात करते हैं तो जी सुख दुखों से भरा है जीवन है ना, यहाँ पे क्या आएगा जीवन सुख दुखों से भरा है, अवगुण व्यक्ति को अपने अवगुण नहीं दिखते हैं, प्रारंभ आज हम नियमित आज से हम नियमित पढ़ाई करते हैं पढ़ाई करेंगे, ये हो जाएगा आपके, ठीक है। तो ये था पेज नंबर 42 तक का सॉल्यूशन, जो कि हमने पेज नंबर
39 से स्टार्ट किया था, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा का चैप्टर। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेज के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।